जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। जी, तो आज हम लेकर आ गए हैं आप सबका फेवरेट टॉपिक, मनपसंद। सबका तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों का। उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं, कोई भी, समझ रहे हैं? तो हमने देखे यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं। उनके बारे में सोचिए, लंबी सी गहरी सांस लीजिए और आराम से, तसल्ली से एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए, देखिए तो सही वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और एक बात, हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारी बात मानने के लिए, अपना ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए उन बेजुबान जानवरों के लिए थैंक यू सो मच, लव यू। हमें नहीं पता था कि हमारी फैमिली के लोग हमसे इतना सारा प्यार करते हैं। हमने आप लोगों से सिर्फ एक ही दो बार कहा था कि आप लोग, वो जो भाई लोग काम कर रहे हैं चैरिटी के लिए, आप उनको मोटिवेशन दें, आप उन्हें अप्रिशिएट करें, आप उनके वीडियोस देखें जिससे वो और मेहनत से, प्यार से काम कर सकें। आपको पता है इसका कितना बड़ा असर पड़ा है? अब हमें उनसे कहना नहीं पड़ता कि आज आप चले जाओ, अब वो खुद भी चले जाते हैं, अपने आप ही कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हो रहा है। तो प्लीज़, जिस तरह आप हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, इसी तरह आप उन्हें भी देखिए। अक्सर ऐसा होता है, हम सब, आप कितने बेकार के फालतू वीडियोस देख डालते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, बिना मतलब की चीज़ें दिन भर देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे देखने से किसी का भला हो रहा है, तो वो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये भी किसी पुण्य से कम नहीं होता। किसी को मोटिवेट करना, किसी का आत्मविश्वास बढ़ाना, किसी पुण्य से कम नहीं होता। तो आप लोग ये काम ज़रूर करिए। हमें पूरा यकीन है कि आपके इस काम से ईश्वर आपसे बहुत खुश होंगे और उनका ढेर सारा आशीर्वाद, उन बेजुबान जानवरों की ब्लेसिंग आप सबको ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप उन सबको मोटिवेशन दे रहे हैं, उन्हें काम करने के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने भी कहा था कि सब लोगों को दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से थैंक यू सो मच और हमारी तरफ से तो लव यू सो मच। चलिए, आई होप आपने पाइल चूज कर लिया होगा। अब देखनी करनी है करंट फीलिंग जो है, जल्दी से देखते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपने जिनके बारे में सोचकर इस प्यारे से फ्लावर को चूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या छुपा है उनके दिल में आपके लिए। देखिए डियर, इधर ना हमें 80% लोगों के लिए कंडीशन नज़र आ रही है कि फैमिली की वजह से, फैमिली इशू की वजह से, फैमिली इशू बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। अगर आप दोनों की कास्ट सेम नहीं है तो फैमिली को दिक्कत, अगर आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी फैमिली को दिक्कत होती है, और अगर आप दोनों की एज सेम नहीं है, एज डिफरेंस इशू है, तो भी फैमिली को इशू। तो इधर फैमिली का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, और उसके साथ साथ बाहरी लोगों का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा अलग करने में,
मतलब यहाँ पर हमें 80% लोग सेपरेट नज़र आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वजह से। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही आप दोनों अलग हुए हैं। लेकिन हाँ, लोगों ने अलग तो कर दिया, लेकिन वो भूल गए कि जो दिल से जुड़े होते हैं ना, उन्हें अलग करना नामुमकिन होता है। कुछ दिनों की दूरियां बढ़ जाती हैं, कुछ दिन बातचीत बंद हो जाती है, लोग कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, उन्हें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। और इधर भी कुछ ऐसा ही है, आपके पार्टनर को जब उनकी फैमिली का या फिर जिसने भी आप दोनों को अलग किया है उसका असली चेहरा नज़र आया ना, तो आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, समझ रहे हैं, अफसोस हुआ कि मैंने क्या खो दिया, मैंने इनकी बातों में आकर इनकी वजह से अपना ट्रू लव खो दिया, इन लोगों की वजह से। पता है वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, अब वो आपके बिना एक पल भी रहना नहीं चाहते। आप जानना चाहते हैं उनके दिल में क्या चल रहा है? अभी वो आपसे हो सकता है कि ना बोल रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद एक्शन ले भी लिया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने तो शायद अपना मैसेज आप लोगों तक भेज भी दिया है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितने लोगों के पार्टनर ऐसा फील करा रहे हैं आपको कि वो अब मतलब आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, उन्हें बहुत गिल्ट है, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं अंदर से। कितने लोगों के पार्टनर हैं ऐसे, क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। चलिए, इनकी फीलिंग्स के हिसाब से जो इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर, जो इनकी करंट फीलिंग्स हैं, उसके हिसाब से हम आपको एक सॉन्ग सुनाते हैं। बहुत दिनों से सुनाया नहीं ना हमने, हाँ वो थोड़ा सा चैरिटी को लेकर हम बिज़ी हो गए थे इसी वजह से, लेकिन चलिए आज हम आप लोगों को सॉन्ग ज़रूर सुनाएंगे। आँखें बंद करिए और इस सॉन्ग को बिल्कुल ऐसे महसूस करिए जैसे कि आपके पार्टनर दिल से ये सॉन्ग आपको सुना रहे हैं, ठीक है? तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना, तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर जान निकलने लगी है, फिर मुझको तड़पा रहे हो, फिर मुझको तड़पा रहे हो, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, इस दिल में यादों के मेले हैं, तुम बिन बहुत हम अकेले हैं, आ जाओ लौट कर तुम,
ये दिल कह रहा है तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। तो उनकी ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है, ये दिल कह रहा है। समझ रहे हैं डियर? अब ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली अपनी फैमिली के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं, समझ रहे हैं? बिल्कुल निडर होकर अब ये गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप मैरिड हों या फिर अनमैरिड हों, इनके नज़रों के सामने सबकी हकीकत आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं एक मिरेकल हुआ है, एक चमत्कार हुआ है। हो सकता है कि ये आपकी दुआओं का असर है या फिर आपके सच्चे प्यार का असर है कि आपके पार्टनर को उनकी गलती का एहसास हुआ, उनके सामने उन झूठे लोगों का नकाब उतरा जिन्होंने आपको गलत ठहरा कर आप दोनों को दूर किया था। समझ रहे हैं? तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अब ये बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, पहले थोड़ा मासूम से हुआ करते थे, पहले किसी की भी बातों में आ जाने वाले हुआ करते थे, समझ रहे हैं? पहले इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों की परवाह हुआ करती थी, पर अब इन्हें किसी की भी कोई परवाह नहीं है, अब इन्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, स्पेशली आपको लेकर। और अब ये इतने श्योर हो गए हैं कि अब आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट नहीं कर सकता। पता है क्या सोच रहे हैं? काश आप इनसे अलग ना हुए होते तो शायद अब तक आप दोनों पेरेंट्स बन जाते, जिनकी शादी हो गई है लेकिन बेबी नहीं हुआ था, और फैमिली वालों की बातों में आकर आप दोनों अलग हो गए, तो इन्हें लगता है कि अब तक आप लोगों का कोई बेबी हो जाता। और जो लोग अनमैरिड हैं वो आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के ख्वाब देख रहे हैं कि अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं रहूं, मेरा प्यार रहे और हमारा बेबी रहे, बस किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ये समझ लीजिए, इन्होंने बिल्कुल अंदर से स्ट्रांग होकर मन बना लिया है कि अब इन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है कि कौन इनके बारे में क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, बस इन्हें अब ज़िंदगी आपके साथ जीनी है, अब इन्हें किसी की भी बातों में नहीं आना है। इन्होंने जो नाइंसाफ़ी आपके साथ की है उसके लिए इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा गिल्ट है, और उसके लिए अब ये आपको उतना ही प्यार देना चाहते हैं जितना इन्होंने आपको दर्द दिया है। देखिए, हमने क्यों कहा कि आप लोगों को कोई अलग नहीं कर सकता, इधर आपके पार्टनर की फीलिंग्स हमने देखी, इधर आपकी भी देखी, आप भी जानते हैं, आप भी बहुत अच्छे जानते हैं कि फैमिली को पहले से ही आप पसंद नहीं थे, और अक्सर ऐसा होता है कि जिन्हें हम पसंद नहीं होते ना, वो कोई ना कोई बहाना करके हमसे नोकझोंक करते ही रहते हैं, खुद नहीं कर सकते तो दूसरों से हमारी नोकझोंक करवाते रहते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं होते। तो आप भी अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो निर्दोष हैं, वो निर्दोष हैं, और आप भी तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, आप भी तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, हमें पता है कि एंजल्स आप लोगों को रिपीटेड नंबर 1111 बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है, तुम जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो काम कर रहा है, और एक दिन बहुत जल्द तुम दोनों एक होगे, एक दिन बहुत जल्द तुम्हारा यूनियन रियूनियन होगा, तुम दोनों की शादी होगी, तुम्हारी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ
होगी, तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप सोच रहे हैं ना कि आपके पार्टनर फैमिली के खिलाफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। पता है, जब तक हम किसी को बहुत अच्छा समझते हैं ना, जब तक उसका असली चेहरा हमारे सामने नहीं आता, तब तक हम एक भ्रम की दुनिया में जी रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये लोग सही हों। लेकिन जब भ्रम टूटता है ना, जब भ्रम टूटता है, तो फिर इंसान को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले ना इनकी फैमिली इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करती थी, अब वो किसी भी तरह से इनकी फैमिली इन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकती, किसी भी तरह से नहीं, ना इमोशनली, ना फिनेंशियली, किसी भी तरह से। अगर इनकी फैमिली ये बोलती है ना कि तुमने अगर उससे शादी कर ली तो तुम हमारे लिए मरे घोषित हो जाओगे, अगर तुमने उसके साथ ज़िंदगी जीने के बारे में सोचा भी तो हमारा मरा मुंह देखोगे, या फिर हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल करना है सो आज कर दो, अभी कर दो, इसी वक्त कर दो। लेकिन देखिए, समय ना अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है, समय अच्छे अच्छों को उनकी गलती का एहसास करा देता है। इन्हें भी एहसास हो चुका है कि अगर कोई बहुत अच्छा काफ़ी स्टेबल पर्सन भी मेरी ज़िंदगी में आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि जिसके पास बहुत पैसे हों उसके पास दिल भी हो, उसके अंदर प्यार भी हो, उसके अंदर मनुष्यता भी हो, वो मेरी केयर कर सके, वो मुझे समझ सके। ये मेल हो या फिर फीमेल हो, इन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है। किसने समझाई हमें नहीं पता, पर इन्हें समझ में आ गया है कि इन्हें आपकी तरह कोई समझने वाला कभी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इनका भ्रम टूट चुका है औरों को लेकर, और इसी वजह से अब इनकी पूरी प्लानिंग है आपके पास वापस आने की। इधर स्ट्रांग साइन की बात करें, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, मिथुन तुला कुंभ राशि। दूसरा इधर एडिस लियो सजिटेरियस है, मतलब कि मेष सिंह धनु राशि, फायर साइन और एयर साइन। वाह वाह, क्या बात है, एक हवा तो दूसरी आग, और ये दोनों मिल जाएं तो तबाही मचा सकते हैं। अगर हवा और आग मिल जाएं तो इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होता। आपको पता है ना, चिंगारी में थोड़ी सी फूंक मारो, वो घर का घर तबाह कर सकती है, सब कुछ जला सकती है, किसी की भी नहीं सुनेगी वो, ये समझ लो आप। तो इधर हवा और आग बहुत स्ट्रांग हैं, एयर साइन और फायर साइन। ऐसा नहीं कि इधर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न नहीं है, है लेकिन बहुत कम है। तो डियर, चलो रिश्वत दे दो, पहले नहीं मांगी थी, लास्ट में मांग रहे हैं हम आपसे रिश्वत। आप बहुत जल्द एक कंप्लीट लाइफ जीने वाले हो जिसमें कंप्लीशन होगा, जिस लाइफ का आप ख्वाब देखते हैं। हाँ, आप हो, आपका प्यारा सा परिवार हो, उसमें बहुत सारा प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझें, प्यार दें, सपोर्ट करें, केयर करें, रेस्पेक्ट दें। आपका ये ख्वाब एंजल्स बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। तो आपके जो पार्टनर की करंट फीलिंग्स है ना, बहुत प्योर हैं, इन्हें समझ में आ चुका है कि कौन सही है कौन गलत है। कहते हैं ना, सच्चाई को बहुत समय तक दबाया नहीं जा सकता, सच्चाई को बहुत समय तक छुपा के नहीं रखा जा सकता, वो उभरती ही उभरती है। और इनको तो अच्छे समझ में आ चुका है कि क्या सच है क्या गलत है। तो चलो अब मुस्कुराओ, प्यारी सी स्माइल देकर जाओ हमें कमेंट बॉक्स में। आई होप आप समझ गए होंगे उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए? आप अपनी परवाह करिए, अपने अपनों की परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए, दूसरों की परवाह मत करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने चूज़ किया है इस प्यारे से फ्लावर को, और आप जानना चाहते हैं कि उनके, हाँ, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए।
आजकल क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो इधर हम बता दें, इधर 90% लोग, 90% लोग ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। क्या हो गया? सबसे पहले तो हमें आपसे पूछना है, इस वक्त आप इतना लो फील क्यों कर रहे हैं, बताइए। उनकी तो हम बाद में बताएंगे, हम दोनों की एनर्जी चेक करते हैं कि दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। सिर्फ उनका नहीं, आपका भी देखते हैं हम, क्योंकि उनका आप जानना चाहते हैं लेकिन आपका हम जानना चाहते हैं। उनकी करंट फीलिंग्स आपको जाननी होती है और आपकी करंट फीलिंग्स हमें जाननी होती है, ताकि थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, समझा सकें आपको। तो हमें यहाँ पर आप काफ़ी ऐसा लो फील कर रहे हैं, काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप में से देखिए, जितने लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, स्पेशली वो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं, और आप ये अच्छे जानते होंगे कि सबसे पहले फेमिनाइन एनर्जी को ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो बहुत इमोशनल है, वो मदरली है, वो हर चीज़ को गंभीरता से लेती है, वो स्पिरिचुअल है, उसे प्रकृति से लगाव है, वो इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा खोती नहीं है, वो उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी देती नहीं है, वो प्रायोरिटी देती है प्यार को, माँ प्रकृति की तरह होने की वजह से। एंजल्स अक्सर फेमिनाइन एनर्जी को पहले अवेकिंग की तरफ लेकर जाते हैं, और टैरो सजेस्ट ही उन्हें होता है जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं। तो डेफिनेटली आप फेमिनाइन एनर्जी में ही हैं। आप में से बहुत सारी फेमिनाइंस ऐसी हैं जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर रही हैं, अपने अस्तित्व की पहचान कर रही हैं, अपने आप को जान रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन यहीं पर आप में से बहुत सारी फेमिनाइन एनर्जी हैं जो इस वक्त बहुत घुटन, घबराहट, बहुत लो फील कर रही हैं, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ खो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनसे उनका कुछ बहुत कीमती छीना जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले की एनर्जी, मतलब कि आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी मिरर करती है। वो परेशान होगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे, वो खुश होगा तो सडनली आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। बिल्कुल होता है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। आप सडनली बैठे रहेंगे और आपको अचानक बहुत गुस्सा आ जाएगा, आप अचानक बहुत दुखी हो जाएंगे। बहुत दुख का माहौल चल रहा हो तो आपको अंदर से बहुत खुशी खुशी सी महसूस होगी। वो जो उसकी लाइफ में चल रहा होता है ना, अब फिर ट्विन सोल का क्या मतलब है? जब एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं तो फिर एक दूसरे की एनर्जी उन्हें प्रभावित क्यों नहीं करेगी? करेगी। तो हम आपको बताएं, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये जो एनर्जी आपको प्रभावित कर रही है, जो आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बांधना चाह रहा है, आपसे कोई कुछ छीन रहा है, आप अंदर से एक घुटन महसूस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका जो काउंटर पार्ट है उसके साथ कुछ बुरा हो रहा हो? देखिए, दो चीज़ें सेम हैं। एक तो हाँ, वाकई वो अंदर से बहुत घुटन महसूस कर रहा है, उसे भी रात में नींद नहीं आ रही है, रातों में उठ उठ कर बैठ जाता है वो भी। वो चाहे फीमेल बॉडी में क्यों ना हो, पर वो मस्कुलाइन एनर्जी है तो हम उसे जाता ही बोलेंगे, समझ रहे हैं आप? तो उसे रातों में नींद नहीं आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स बार बार उसके मन में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसे परेशान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उसकी नींद कहीं उड़ सी गई है, और यही सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं। तो यहाँ पर तो सच बात है कि आप दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में एनर्जी मिरर नहीं कर रही है। कुछ चीज़ों में हमें ये फील हो रहा है कि आपके आसपास अभी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक सोल आपके कांटेक्ट में आई हो। क्या कोई न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हुई है, किसी कोई नया इंसान आपके घर पे आया हुआ है, या किसी इंसान से आपकी दोस्ती हुई है, आप उससे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं? अब प्लीज़ कमेंट में बताइए हमें, पता है क्यों? हम जिस इंसान से ज़्यादा अटैच होने लगते हैं ना, किसी इंसान से, हो सकता है कि कोई आपका रिलेटिव आपके घर आया है, कोई नया इंसान आपके घर पे आया हुआ है और वो बहुत नेगेटिव है। ऊपर से तो मीठी मीठी बातें, पॉजिटिव बातें, धार्मिक बातें तो सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर से क्या होता है? ऊपर से राम राम, अंदर से कसाई का काम। तो
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, तो कुछ है ऐसा जो आपके साथ हो रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये पर्सनली आपके साथ हो रहा है, उनके साथ नहीं हो रहा है, और आपकी ही एनर्जी उन्हें मिरर कर रही है, क्योंकि इस वक्त उनकी तो खुद हीलिंग चल रही है, इस वक्त तो वो खुद भी अपने इंट्यूशन को समझ पा रहे हैं, अपनी सोल जर्नी को समझ पा रहे हैं, इस वक्त तो वो खुद भी स्पिरिचुअल जर्नी में कनेक्ट हो गए हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं उसमें, इस वक्त तो वो खुद भी मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं एंजल्स, क्योंकि उनकी हीलिंग कर रहे हैं। ये आपकी नेगेटिविटी है जो उन्हें मिरर कर रही है, स्पेशली आपकी तरफ हमें ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत परेशान हैं आप, और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कि नींद नहीं आना, बहुत दुखी रहना अंदर, जैसे कि कलेजे पे किसी ने पत्थर सा रख दिया है, जैसे रोने का समन हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर किससे क्या कहें, क्या बताएं कि क्यों रोना आ रहा है, रीज़न भी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, आपको थोड़ा सा ना अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, और आसपास आपके कोई नेगेटिव एनर्जी है, प्लीज़ उसे कैसे भी बचने की ज़रूरत है आपको उससे। अगर कोई इंसान हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आया है, कैसे भी दोस्त बन के, भाई बहन बन के, या फिर आपके घर में कोई इंसान, कोई नया मेंबर आया है और उसके आते ही सब कुछ स्टार्ट हुआ है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन को और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, मतलब कि आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बनने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए और ज़्यादा मेडिटेट की ज़रूरत है। अगर आप डेली 108 बार गायत्री मंत्र की चैंटिंग कर सके तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। हमारी तरफ से तो यही सजेशन है कि आप मतलब कि गायत्री मंत्र की चैंटिंग करिए, समझ रहे हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप जप करने से आपका ऑरा स्ट्रांग होता है और नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी में बदलती है, समझ रहे हैं। जो भी नेगेटिविटी है आपके आसपास, अगर वो पॉजिटिविटी में बदलने के लिए राजी है तो वो आपके आसपास रहेगी, नहीं वो खुद ही चली जाएगी, और वो अगर है भी ना तो वो आपको टच नहीं कर सकती। ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखो, चाहे कोई आपसे बताए ना बताए, हम आपको बता रहे हैं, जितने भी टैरो ट्रेडर होते हैं ना, ये खुद भी कहीं ना कहीं इन सब सिचुएशन से गुजरे हुए होते हैं, और जो सिर्फ एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कर रहे हैं ना, वो नहीं गुजरे हैं, तो हमें नहीं लगता कि वो कभी आपका दर्द महसूस कर पाएंगे, क्योंकि हर आत्मा अपने ट्विन से तभी मिलती है, हर चीज़ से मुक्त हो चुकी होती है, उसका एक लाइफ पर्पस यही होता है कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होता कि वो कर्मों के बंधन की वजह से पृथ्वी पर आती है, वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्रता से इस पृथ्वी पर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आती है, अपने ट्विन से यूनियन रियूनियन करने के लिए आती है, कर्मों के बंधन की वजह से नहीं आती है, समझ रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है, तो हमें बहुत सारे लोगों के लिए लगता है कि हो सकता है आपसे कभी किसी टैरो रीडर ने बताया हो कि वो ट्विन सोल जर्नी में है और उनके साथ भी ये सब कुछ हुआ है, और अगर ना बताया हो तो हम आपको बता रहे हैं कि जितने भी टैरो रीडर होते हैं ना, वो खुद ना खुद कभी ना कभी इन चीज़ों से गुजरे हुए होते हैं, उन्होंने कभी ना कभी इस दर्द को फेस किया हुआ होता है, तो वो आपके दर्द को समझेंगे और उस हिसाब से वो जो आपको एडवाइस देंगे ना, बहुत बेस्ट होगी। और अगर वो नहीं गुजरे हैं, आपको उनकी बातों से लगता है ना गाइस, अगर है कुछ टैरो रीडर, हमें क्या बताएं, हमें तो बस लगता है कि स्क्रिप्ट लिखी रहती है उनके सामने, चार पांच चीज़ें रट ली हैं उन्होंने, उनकी ना बातों में कोई हमदर्दी होती है, ना फीलिंग्स होती हैं, ना आपके जज्बात एहसास समझने की पावर होती है, वो बस ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, ना उनकी वाणी में दूर दूर तक कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है। टैरो स्पिरिचुअलिटी का ही एक हिस्सा है, हम सच बताएं, हम गुजरे हैं इन चीज़ों से, हमने भी प्रेम को बहुत गहराई से महसूस किया है, जहाँ पर अभी आप हैं, वो बात अलग है कि हम सिचुएशन से निकल आए बाहर, समझ रहे हैं, हमारा इनर यूनियन हो गया हमारे अंदर वाले मस्कुलाइन से, हम अब बाहर के मस्कुलाइन के मोहताज नहीं रहे,
कि वो है तो ज़िंदगी में रौनक है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मतलब अब ऐसा नहीं है, हम खुद पर डिपेंड हो गए, सेल्फ लव हमारे लिए सब कुछ हो गया। तो अभी आप हैं इन सब चीज़ों में और आप अंदर से घुट रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बांध रहा है आपको, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई टॉक्सिक एनर्जी आपके कांटेक्ट में आई है। लेकिन जब आप गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में ए मिरेकल होता है। समझ रहे हैं? आप खुद भी शॉक्ड रह जाएंगे कि चीज़ें कैसे बैलेंस हो गई। और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, स्पेशली गायत्री मंत्र को लेकर, ये रात रात को रोना, नींद नहीं आना, क्योंकि इस टाइम पर ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, जिससे आप अपने मार्ग से भटक जाओ, आप अपने सोल पर्पस से भटक जाओ। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि क्यों हो रहा भाई, क्या चक्कर है, ये समझ भी नहीं आएगा। लेकिन आप अंदर से बहुत डिस्टर्ब रहते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस रहती है। और वही हाल है कि रोना चाहे रोना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसी को बता भी नहीं सकते। नहीं, फिर थोड़ा सा डर भी लगता है कि पता नहीं घर के लोग क्या समझेंगे। तो हम ये पूरी एक स्पिरिचुअल यात्रा है, एक आध्यात्मिक जर्नी है, हम इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, आपका दर्द भी, हर चीज़ को। तो स्पेशली यहाँ पर ईश्वर ये बोलना चाहते हैं कि आपको अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है, आपका जो काउंटर पार्ट है वो बिल्कुल स्वस्थ है और वो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है। उसे हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू हो सकता है कि आपकी जो कंडीशन है वो उससे बेहतर हो। और अगर नहीं भी है ना, तो वो इस वक्त अपने करियर पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है सक्सेस पाने के लिए। पता है क्यों? जिससे वो एक दिन बड़ा आदमी बन जाए ना, तो आपकी फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले, लाइक शादी करना चाहता है वो आपसे। हाँ, वो जिंदगी की असलियत को, गहराई को समझ रहा है दिन प्रतिदिन। समझ रहे हैं? और उसे पूरा यकीन है कि एक दिन आप उसे अपना लोगे, एक दिन आप उसे माफ कर दोगे। लेकिन आपको ज्यादातर करके दुख इस बात का होता है कि वो कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, वो कभी भी अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता, हमेशा बात छुपाता है, हमेशा झूठ बोलता है, दूसरों की वजह से आपको चीट करता है, दूसरों की वजह से आपको दुख देता है। वो कभी भी अपनी तरफ से कमिटमेंट नहीं देगा। वो पता नहीं क्यों नहीं समझता, नहीं समझता था, अब समझने लगा है, समझने लगा है। पर उसे लगता है कि आपका लेवल, आपके लेवल पर बनने के लिए उसे अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। वो आपके लेवल पर आना चाहता है हर तरीके से। अभी पता है क्या सोचता है वो? अभी अपने आप को आपके लायक नहीं समझता, आपके लायक नहीं समझता। उसे लगता है कि अभी उसमें बहुत कमियां हैं और उसे उन कमियों पर काम करने की ज़रूरत है, उन्हें सुधारने की ज़रूरत है। पता है, वो लाइक आपको एक प्रिंसेस की तरह देखता है, एक प्रिंस की तरह देखती है, ये समझ लीजिए। उसे लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी हैं, आप कितने लोगों की इंस्पिरेशन हैं, आप कितने लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो उसे लगता है कि उसे भी तो उस टाइप का होना चाहिए ना। देखो, पहले वो बहुत इमेच्योर था, पर अभी धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है, अभी धीरे धीरे उसकी लाइफ में एक बैलेंस हो रहा है। समझ रहे हैं? और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल आपसे अपने दिल की बात शेयर करेगा। और अब कोई थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगी। पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं थी थर्ड पार्टी की वजह से, पर अब इक्वल गिव एंड टेक वो करेगा। उसने खुद भी सोचा है, वो पता है दिन रात आपको मैनिफेस्ट करता है। आप सोचते हैं ना कि आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, भूल क्यों नहीं पाते? क्यों भूल पाएंगे? क्योंकि वो आपको भूलने देगा ही नहीं। वो दिन रात आपको मैनिफेस्ट करता है, आपके बारे में सोचता है, आपका इंतज़ार करता है, आपके एक कॉल और मैसेज का इंतज़ार करता है। समझ रहे हैं? तो भला क्यों आप उसे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? जो चीज़ें, जो ट्रिक हम आपको सिखाते हैं ना, वो ट्रिक वो खुद यूज़ कर रहा है। हम कहते हैं कि सामने से उसे इग्नोर करो, लेकिन इनडायरेक्टली उसे मैनिफेस्ट करो, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी बरकरार रहे और वो आपसे दूर भी ना जाए। लेकिन ये काम आप करें ना करें, पर वो डेफिनेटली कर रहा है। हाँ, और अब उसमें पहले जैसी कमियां नहीं रही, बहुत बदल चुका है वो, ये समझ लो।
उसकी पता है क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। चलिए सॉन्ग सुनाते हैं। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर लम्हा उठा लूंगा तेरी चाहत में। ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, ओ दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं सब कुछ मिटा दूंगा तेरी चाहत में, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, मैं हर गम उठा लूंगा तेरी चाहत में। ट्रस्ट मी, उनकी जो फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा प्योर हैं आपके लिए, और वो इस वक्त स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो चुके हैं, और वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। वो दिन रात आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ इस वजह से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखिए इश्यूज तो बहुत ज़्यादा हैं आप दोनों के दरमियान। इंटरकास्ट भी है, रिलीजन इशू भी है, एज डिफरेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, इश्यूज बहुत सारे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि आज के टाइम पर सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो बहुत चमकती है, जिसके सामने सब सर झुकाते हैं, और वो है पैसे। वो है पैसे, और वो ये समझ लीजिए कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं, वो मेल हो फीमेल हो, इस वक्त दिन रात पैसे कमाने की धुन लगी हुई है उन्हें, सिर्फ इस वजह से, जिससे कल को पैसे के बल पर वो सबको हरा सकें और हमेशा के लिए आपको अपना बना सकें। अगर आप उन्हें लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो प्लीज़ परेशान मत होइए। इस वक्त आपको अपनी हीलिंग की ज़रूरत है, इस वक्त आपको अपनी सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, समझ रहे हैं? और आपकी ही एनर्जी उन्हें मिरर कर रही है, आपकी ही वजह से उन्हें इतनी परेशानी हो रही है, वो नहीं सो पा रहे हैं, बल्कि वो आपको लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, समझ रहे हैं? और आपके लिए बहुत जल्द एक्शन भी लेंगे, आपको बहुत जल्द कमिटमेंट भी देंगे। उनका प्रॉमिस ये है आपसे कि अब वो जो गलती उन्होंने पहले की है ना, वो दोबारा नहीं करेंगे, आप उन पर यकीन करिए। यहाँ पर अगर आप मेल हैं तो ये समझ लीजिए आपको बहुत जल्द बारात लेकर जानी पड़ेगी, और अगर आप फीमेल हैं, बहुत जल्द आपके घर बारात आएगी या फिर बारात जाएगी। देखिए हमने बताया ना कि पैसों के बल पर वो सबका मुंह बंद करना चाहते हैं, और इसी वजह से वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप परेशान मत होइए, उन्हें आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर अभी बातचीत नहीं भी हो रही है तो थोड़ी सी तसल्ली रखिए, सही समय का इंतज़ार करिए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर बदलनी होंगी। एंजेलिक गाइडेंस आपको मिल रहा है पर आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। इधर स्ट्रांग साइन की बात करते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, एरीस लियो सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। तो डियर प्लीज़ अपनी सेल्फ हीलिंग करिए, एंजल्स आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं, उनके गाइडेंस को इग्नोर मत करिए, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में।
आपने चूज़ किया है इस प्यारे से फ्लावर को, और आप जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि उनके दिल में क्या है आपके लिए। न्यू कनेक्शन, क्या बात है, मतलब कि प्रेडिक्शन सच हुआ। इधर देखो, दो एनर्जी हैं, है ना। एक तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आया है, और बहुत स्ट्रांगली 80% लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन कनेक्शन न्यू न्यू जुड़ा है। कनेक्शन, बहुत सारे लोगों का ये फ्रेंड है, बहुत सारे लोगों का ये ऑफिस फ्रेंड है, या फिर आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी कोई असिस्टेंट हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के स्कूल फ्रेंड हैं, कॉलेज फ्रेंड हैं, मतलब कि जानते पहले से थे, लेकिन रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, और आप भी कुछ फील कर रहे हैं, वो भी कुछ फील कर रहे हैं। तो इस वजह से आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, लाइक 20% लोग जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, लेकिन 80% तो स्ट्रांगली न्यू कनेक्शन की वाइब आ रही है। हे रब्बा, इतनी प्यारी सी रीडिंग आई हुई है, क्या बताएं, इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग्स याद आ रहे हैं। कौन कौन सा सुनाए, कौन कौन सा कन्फ्यूज कर दिया आपने। तो हमने बहुत सारे लोगों के लिए कहा था कि पक्का जनवरी तक बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा, लाइक सोलमेट टाइप। चलिए कमेंट करिए कितने लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है, वो बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। हम थोड़ी सी पहचान बताते हैं। पास्ट में उसका किसी ने हार्ट ब्रेक किया है और आपने उसे ज़िंदगी जीना सिखाया है। हाँ, पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक था किसी नेगेटिव चीज़ को लेकर। हो सकता है कि वो मैरिड भी हो, कुछ लोगों के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो मैरिड भी हो, और कहीं ना कहीं आपने उसे डार्कनेस से बचाया है। वो दिन प्रतिदिन नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, और आप टैरो से पहले से कनेक्ट थे, इसी वजह से आपने खुद भी उसे टैरो से कनेक्ट किया है, आपने उसे स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा है। आपने आपने उसकी ज़िंदगी में उम्मीद का दिया जलाया है, आपने उसको एक होप दी है। वो तो हम तो मर ही चुके थे, हम तो मर ही चुके थे, फिर जन्म आ रहा है, मतलब कि वो मर चुके थे लेकिन आपने उन्हें ज़िंदगी दी है। कितने लोगों ने कमेंट करिए हमें कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग वाइब आ रही है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है। उनकी पता है क्या फीलिंग्स है आपके लिए, बताते हैं। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। हर किसी से जिसे मैं छुपाती रही, बेखुदी में जिसे गुनगुनाती रही, मैंने तन्हा कभी जो लिखी थी वही शायरी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना हमें, हाँ वही बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। ऐसा नहीं कि हमें सॉन्ग नहीं आता, लेकिन हमने इसका जो पहला वाला अंतरा था, मतलब जो पहले वाली लाइन थी, वो हमने छोड़ दी है, क्योंकि उसे कई बार सुना चुके थे, और इसी वजह से हमने इसकी सेकेंड वाली लाइन ली है। तो डियर,
अब आप तो इनकी ज़िंदगी बन गए हो। अब जब कोई ज़िंदगी बन जाता है तो फिर उसके मन में उसे खोने का डर हमेशा रहता है ना। आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरने लगे हैं। इनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस इशू है बहुत स्ट्रांग, बहुत लोगों का। इन्होंने आपसे अपने पास्ट की बातें शेयर की हैं थोड़ी बहुत, और इन्होंने बताया कि इनकी ही गलती की वजह से बहुत कुछ हुआ। लाइक गलती ऐसी कि इन्होंने एक फ्रॉड इंसान को पहचाना नहीं और उसने इनका फ़ायदा उठाया। तो इन्होंने अपनी पास्ट की चीज़ें आपसे शेयर की होंगी, लेकिन आपने इन्हें ज़िंदगी जीने का मकसद दे दिया है। आपने इन्हें एक तरीके से इनके सोल पर्पस से मिला दिया है। मूव ऑन करो लाइफ में, आगे बढ़ो। जो भी आपके नेगेटिव अटैचमेंट हैं उन्हें रिलीज करो, लेट गो करो। तो आपने इन्हें आखिर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ ही दिया। ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन सोच रहे हैं बहुत सारी चीजें। पता है क्या सोच रहे हैं? कि कहीं कुछ ऐसा है इनका पास्ट, और भी बहुत सारी चीज़ें इनकी फैमिली से रिलेटेड, फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीज़ें जो अब तक इन्होंने आपसे बताई नहीं है। तो डर है कि कहीं उसकी वजह से ये आपको खो ना दें, और ये आपको खोना नहीं चाहते। इस सुकून को ये खोना नहीं चाहते जो आपसे मिल रहा है। देखिए, जब हम अंदर से बहुत खुश हों और किसी और को हम खुशी दे दें, मतलब कि जो हमारे पास है अगर हमने वो किसी और को दे दिया, हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, और उसमें से हमने थोड़ा सा किसी को दे दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी के पास दो ही रोटी हैं, ठीक है, और उसे बहुत भूख लगी है। वो जैसे ही खाने बैठा, सामने से उसे एक भूखा इंसान नजर आया, जिसे देखकर आपकी आत्मा तड़प उठी और आपको लगा कि इसे तो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत है इन रोटियों की। और आपने, आपके पास थी नहीं, लेकिन आपने अपना हिस्सा भी दे दिया। आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई एक तुम खा लो, एक हम खा लेते हैं, लेकिन आपने अपना भी दे दिया। तो ऐसा नहीं कि जिंदगी में आप टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, आपको धोखा नहीं मिला अपनों से, जिन पर आपने ट्रस्ट किया उन्होंने आपको चीट नहीं किया। ठीक है, आप दुखी थे, लेकिन फिर भी आपने किसी और को खुशी दी। आप खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने किसी और को जीने की उम्मीद दी। इसी को तो कहते हैं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना। इसी को तो कहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। और कहीं ना कहीं आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें पूरा यकीन है एंजल्स धीरे धीरे आपको उन सभी नेगेटिव चीज़ों से निकाल लेंगे जो अभी आपकी ज़िंदगी में चिपकी हुई हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव नहीं रह जाएगा, बहुत खुशी रह जाएगी। इनकी बात करते हैं, ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पहले कभी प्यार नहीं मिला है, इनके अंदर प्यार भरा पड़ा है। क्योंकि पास्ट में इन्हें कभी इनके पार्टनर से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिली, और आपको आपके पार्टनर से कभी नहीं मिली। मतलब कि तुम भी तन्हा थे, हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, दोनों के गम एक जैसे थे, दवा होने लगे। आप दोनों ना एक दूसरे पर दवा का काम कर रहे हो। तो ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, इन्हें लगता है कि आप ये डिजर्व करते हैं। अब बहुत लवली हैं, अब बहुत क्यूट हैं, अब बहुत प्यारे हैं, अब बहुत मासूम हैं। आप लाइक बच्चे की तरह हैं, बिल्कुल प्योर सोल, जिसके अंदर कोई दंद फंद नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, जो कोई झूठ चापलूसी नहीं करती, नहीं करता। इन्हें लगता है कि ट्रू लव तो आपके जैसा ही होना चाहिए, और इन्हें लगता है कि आप ही इनका ट्रू लव हैं। और ये डेली डेली ईश्वर से प्रे करते हैं कि आपने बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन हाँ, अब मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ इस बात के लिए कि आप मुझसे ये भी छीन लो, बस इसे मुझे दे दो, इसे मेरा कर दो। ये दिन रात आपको मैनिफेस्ट करते हैं, दिन रात, ये समझ लीजिए। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो हो सकता है कि आपके ऑफिस में कोई हो, ये आपके बॉस, या फिर आपका कोई फ्रेंड, आपका असिस्टेंट, कोई भी, तो ये आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा।
आपसे इन्हें एक स्पिरिचुअल एक पॉजिटिव वाइब आती है, लेकिन आप उसे कह नहीं पा रहे हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कैसे कहें कैसे कहें, पर कह नहीं पा रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, इनकी भी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई है और आपकी भी ज़िंदगी की कहीं ना कहीं नई शुरुआत हो ही रही है। तो बस ये समझ लीजिए कि एंजल सब चाहते हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन हम भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि देखिए, आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है रिश्तों में, है ना। फ्रेंडशिप रखिए, बातचीत करिए, लेकिन लिमिट क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की हैं हम सब ने, और उन गलतियों से अब सबक लेने का टाइम है। जो गलतियाँ पास्ट में दोहराई गई हैं, की गई हैं, उन्हें दोबारा नहीं दोहराना है, उन्हें दोबारा नहीं दोहराना है। आपको पाकर इन्हें लगता है कि इन्हें सक्सेस मिल गई है, आपको पाकर इन्हें लगता है कि इन्हें खुशी मिल गई है, इन्हें ज़िंदगी मिल गई है, समझ रहे हैं। आप इनकी उम्मीद हैं, और इन्हें लगता है कि अगर आपने आपने इनका दिल तोड़ दिया ना, तो शायद अब ये कभी किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत 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 जल्द आपको कमिटमेंट देंगे, ये समझ लीजिए। ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेंगे। इधर हम स्ट्रांग साइन की बात करें, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस बहुत स्ट्रांग है, वाटर साइन, फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इधर। उसके बाद यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ करने मकर राशि, लेकिन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत कम है, समझ रहे हैं, और एरीस लियो सजिटेरियस भी बहुत कम है, बहुत कम है। अभी हो सकता है कि आप ऐसा फील करते हो कि हम लोग तो सिर्फ दोस्त हैं, पर उनके दिल में आपके लिए बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं कि आपके मन में नहीं है, आपके मन में है तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ऐसे कोई किसी के लिए रीडिंग नहीं देखता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, ये आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं। इनके प्यार में कोई शर्त नहीं होगी, कोई सीमा नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा आपके लिए कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कर सकते हैं, बस इन्हें कभी कभी धोखा मत देना, ये आपसे इतनी उम्मीद ज़रूर करेंगे। जो भी हो आप इन्हें बता देना, और आपकी प्रेरणा की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से ये अपने पास्ट से मूव ऑन कर पा रहे हैं, समझ रहे हैं। इनके जो भी नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं उन्हें रिलीज करेंगे बहुत जल्द। कुछ लोगों को तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी से निकाल भी दिया है जो नेगेटिव थे इनके लिए, पॉसिबल नहीं था, हो सकता है कि वो बहुत करीब थे इनके दिल के, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत करके उन्हें अपने मन से अपनी ज़िंदगी से निकाल ही दिया है, ठीक है। तो डियर, अगर ये न्यू पर्सन है जिनके लिए आप ये देख रहे हैं, तो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अनकंडीशनल लव देना चाहते हैं, और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें फुल फैमिली हो, आप वो और आपका बेबी, समझ रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और इसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं, आप इतना समझ लो, कुछ भी करने को तैयार हैं। मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन, सब कुछ, सब कुछ। और हम बात करते हैं अब उनकी जो अपने एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो डियर, उन्हें गिल्ट है, अफसोस है अपनी गलतियों का, और अब खुद भी वो अपनी लाइफ में बहुत स्टक हैं। ट्रू लव क्या होता है उन्हें अब समझ में आया है। इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने कभी नहीं की, उन्हें ये अब समझ में आया जब वही सब कुछ उनके साथ भी हुआ, उनके साथ भी हुआ, जो वो आपको नहीं देते थे, जिस प्यार के लिए उन्होंने आपको तरसाया था, उसी प्यार के लिए अब वो भी तरस रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, और इस चीज़ का काफ़ी एहसास है कि उन्होंने अब आपको हमेशा के लिए खो दिया है, और अब शायद आप उन्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, अब दोनों के दरमियान कभी न्यू बिगनिंग नहीं हो सकेगी, पर वो चाहते ज़रूर ऐसा करना है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये इन्होंने आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ली है, किसी और को चूज़ कर लिया है, या फिर इंगेजमेंट कर लिया है, या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ दिया था, लेकिन अभी मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं है इनके अंदर, समझ रहे हैं, फेस करने की हिम्मत नहीं है, बहुत गिल्ट है। तो बस ये इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिफेस्ट ही कर सकते हैं, और वही कर रहे हैं,
और इसी वजह से ना चाहकर भी इतना दर्द देने के बाद भी इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं अब आपके पास वापस आना, लेकिन कैसे वापस आएंगे, कैसे? अब बहुत कुछ बिगड़ चुका है, अब बहुत कुछ बदल चुका है, सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, और इस बात को इनसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप भी जानते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, तो ये आपकी मर्जी है, आप अब इन्हें एक्सेप्ट करो ना करो, डिसीजन आपका होगा। पर जो भी डिसीजन लेना, बहुत सोच समझ कर लेना, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।